प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री कांड में करोड़ों के घोटाले की आवाज अब दिल्ली दरबार में पहुंची है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहने वाले कांग्रेस विधायक एवं पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा जहां इस मामले को लेकर प्रदेश विधानसभा में सरकार को लगातार घेरते रहे हैं, वहीं वे अपने बयानों से निरंतर सरकार को कटघरे में खड़ा करते आ रही हैं। इससे पूर्व राणा ने राष्ट्रीय संस्थान NIT हमीरपुर में भर्ती भ्रष्टाचार को लेकर स्टेट से लेकर सेंटर तक की सरकार को जगाकर राणा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मंसूबे जाहिर किए थे। वहीं अब सेंट्रल सरकार के मुखिया व देश के मुखिया से लेकर राज्य सरकार, गवर्नर व प्रदेश के मुख्यमंत्री को मानव भारती विश्वविद्यालय में लंबे अरसे तक चले बेखौफ भ्रष्टाचार को लेकर आवाज बुलंद की है। राणा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार व राज्य सरकार के गवर्नर को पत्र लिखकर इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की है। राणा ने आरोप जड़ा है कि इस मामले में सरकार असली गुनाहगार को बचाना चाह रही है और इस मामले के असली तथ्यों को छिपा रही है, जबकि बीजेपी सरकार के ही अपने सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने स्पष्ट कहा है कि वह ना तो फर्जी डिग्री कांड की जांच से संतुष्ट हैं और ना ही तत्कालीन सरकार व सिस्टम की कारगुजारी से संतुष्ट हैं। शांता कुमार ने यकीनन तौर पर कहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हजारों लाखों जारी डिग्रियां शरेआम लाखों में बिकती रही, लेकिन सरकार और सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी है। जाहिर तौर पर शांता कुमार की टिप्पणी यकीन करने के काबिल है, जिस पर प्रदेश में सत्तासीन सरकार को गौर करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार इस मामले में असली गुनहगारों को बचाने के दबाव में है, इसलिए तथ्य को छिपाने के स्वाभाविक दबाव में है। सीधा सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर पुलिस का ये मानना है और इंक्वायरी में ये पाया गया है कि लगभग 5 से 6 लाख डिग्रियां जो है फर्जी बेची गई हैं, और ये जो फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं ये कौन बेचते थे, कौन एजेंट थे, कौन कौन कहां इसके तार जुड़े हैं, कोई इसमें पुलिस ने कोई काम नहीं किया है। पुलिस ने सिर्फ 8 लोगों को हिरासत में लिया। कौन दलाल थे, किन लोगों ने इसको परमिशन दी, किन लोगों ने इसको जो है इजाजतें दी, ये सारा का सारा जुड़ा है। और 5 लाख डिग्री को भी अगर मोटे मोटे तौर पर अगर 3 से 7 लाख रुपए के बीच में पैसा लेते थे तो मामला 4 लाख भी एवरेज लगाया जाए तो भी मामला 20,000 करोड़ रुपए का बनता है। इसलिए बहुत बड़ा मामला है। इसकी जो है हम बार बार मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार इसको जो है चूं से मुंह नहीं हो रही है, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। हम बार बार मांग कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो है वीरवार को यानी कि 16 तारीख को सवेरे इसका हमीरपुर में भी प्रोटेस्ट रखा है, ताकि प्रदेश के लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को किस तरीके से हिमाचल में बेचा है, किस तरीके से 16-17 विश्वविद्यालयों को यहां पर परमिशन दी, स्टूडेंट कहां से एक एक पंचायत में 3-3 यूनिवर्सिटियां खोल दी, स्टूडेंट कहां से आने थे। ये सारे के सारे मामले जो है जांच का विषय है और ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन लिए हैं और उनको पढ़ाया है, वो तो 60% 65% नंबर लेके आ रहे हैं, और जो फर्जी डिग्रियां वो 90% फर्जी डिग्रियां के परसेंटेज लेके वो नौकरियां ले रहे हैं। तो ऐसा बहुत गंभीर मामला है और देश को खोखला करने के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। ये जो नशा खो रही है और जो नशे बेच रहे हैं लोग, ये उससे भी भयंकर जो है काम हुआ है। ये देश को खोखला मामला है कि 5 से 6 लाख डिग्रियां सेल करी गई हैं और 8 के 8 लोग बेल आउट हो जाते हैं। ना सरकार डबल मैच में जाती है, ना सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है। आप ये देखिए कि जो सूचना मिली है कि एक छोटी सी डिग्री देने के लिए 3 लाख रुपया लेते थे, 3 से 7 लाख रुपये इनका रेट था। एक आदमी PhD करते करते उसके बाल झड़ जाते हैं और ये लोग जो फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं। 5 लाख डिग्रियां भी आप मिनिमम लगाओ और एवरेज 4 लाख ही लगाओ तो भी कुल मिला के 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। आप देखिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का घोटाला है, हिंदुस्तान में इससे बड़ा घोटाला इसमें जो है एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं भी नहीं हुआ। जहां पर फर्जी डिग्रियां बेच करके जो है PhD की डिग्रियां बेचकर जो इनके पास कोर्सेज नहीं भी थे उनको भी इन्होंने डिग्रियां बेच दी, और 17 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी जो है वो वहां पर जांच का विषय बनता है। और सबसे बड़ा विषय है कि जिन लोगों ने इजाजत दी कौन लोग हैं, वो जिन लोगों ने सांठ गांठ करी वो कौन लोग हैं, पुलिस उसको पकड़ नहीं रही। इसलिए हमने आज जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, साथ में कॉपी जो है माननीय गृह मंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने करी है। वहीं पर हमने महामहिम राष्ट्रपति और प्रदेश के
महामहिम राज्यपाल को भी हमने पत्र लिखा आज, और इसकी जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए। मामला क्यों सीबीआई को दिया जाए? इसलिए कि ये मामला जो है इसलिए सीबीआई को बनता है कि ये जो फर्जी डिग्रियां हैं ये कोई हिमाचल में थोड़ी बेची गई हैं। हिमाचल में तो बेची गई पर ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों में बेची गई हैं और विदेशों में भी डिग्रियां चली गई हैं। तो जब ये मामला नेशनल इंटरनेशनल लेवल का चला गया है तो मामला सीबीआई का बनता है, तो सीबीआई को क्यों नहीं दी? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो असली गुनाहगार हैं, जो कि शांता कुमार जी ने कहा है कि जो असली गुनाहगार हैं वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पुलिस जो है वो सीबीआई को मामला दिया जाए और उनको जो है हिरासत में लिया जाए। और ऐसा दाग जो है हिमाचल प्रदेश के ऐसे देवभूमि पे लगाया है, ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।